बस शोर ना ज्यादा करना, आज नहीं चाय करना, टाइम चेक कर ले। चला जाओ हाँ हाँ ले जाओ ऊपर चले जाओ दोनों जाओ चला जाओ भाई बड़ी खतरनाक छत पे है शान साहब के यार भी ये दोनों मादियां बह गए उतर गए क्या मैं नीचे क्या उतर गए जाके चढ़ के ले आएगा चढ़ के बाहर जाल क्या मैं चढ़ने तू जाएगा अच्छा ऊपर चला जाएगा हाँ ऊपर जाएगा शान है पूरी कारस्तानी रिकॉर्ड होनी है अभी लाइव वो एक गया ही शिकरा ऊपर तो दोनों ही गए दोनों जाए कड़कियां चंदा सुट लिया ने हाँ जी अंदर कर लेती जवाल में क्या फेल हाँ जी ओ उतर आ गया बस ओ ऊपर ही है मैं क्या अंदर फेंक लिया उसे ये बाकी कबूतर इधर शायद एक छाता ले जाएंगे बाकी सामने वो पूरे करेगा सामने देख के कह रहे हैं सामने आया बाकी भी उधर तीस चौथा बैर है तुसी दसना कित्थे चलो आ गई नौवीं मादियां अस्सलाम वालेकुम जी मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट मंथली हाइपलाइन पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान और शेखपुरा पिजन स्पोर्ट्स से लाइव है सैयद जुल्कनैन साहब हमारे साथ हैं ये दो मादियाँ अभी अभी बैठी हैं चार अट्ठारह पे सेकंड में 36 सेकंड और पिछले इतवार भी ये मादी 5 बजे के बाद ही बैठी 5:11 पे और ये बैठी 6:03 पे और आज सुबह आंधी बारिश बहुत ज़्यादा थी बहुत तेज़ आंधी थी बहुत तेज़ बारिश थी और शदीद किस्म की हवा चल रही थी 29 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार थी उस वक्त जो गूगल दे रहा था उस वक्त ये मादियाँ और पूरे इस इलाके के कबूतर नीचे नीचे लड़ रहे थे हमारे बाकी कबूतर भी एक कबूतर हमारा जल्दी बैठ गया था तकरीबन 5:53 पर 53-54 मिनट और 11 बजे तक बाकी कबूतर बैठे हैं ये दो मादियाँ अब लास्ट बैठी हैं अक्सर लोग कहते हैं कि जी तेज़ हवा में कैसा पर होना चाहिए धूप में कैसे कबूतर उड़ते हैं खड़े मौसम में बारिश के मौसम में क्या कबूतर होते हैं तो यार ये कबूतर है अब ये मादी है इसको गौर से देख लें जो दोस्त अब आप देखना चाह रहे हैं कि सुबह इन्होंने तेज़ बारिश और तेज़ आंधी उड़ते टाइम देखी है और तकरीबन 1.5-2 घंटे ये तेज़ बारिश में उड़ती रही है उसके बाद हवा तकरीबन 11:30-11 बजे तक 26 किलोमीटर की रफ्तार तक रही है उसके बाद अब आके जो है हवा कम हुई थी ये मादी है अभी उड़ के आई हुई है बिल्कुल ये इसका पर है जी
सातवां पर इसका ऊपर है। वड्डी उस्तादी, वड्डी उस्तादी भी दस दी है ना कि सातवां ओहदा उत्ते ही है, उत्ते ही है। पर को नोट कर लें, ये देखें दिखाओ जी, दूजी माती इस छोड़ दो पांच। ये जी मेरी फेवरेट माती है, इहदा भी सातवां उत्ते ही है। ये देख वो तेरी, अच्छा देते हैं तुझे, देते हैं और ये अभी उड़ के बैठी है माशाल्लाह। आप देख रहे हैं कि इसको अभी भी ना फ्रेश है बिल्कुल। ये इसका पर है, बारिश ने बहुत बुरा हाल कर दिया। और मजे की बात है, आपको नजर आ रहा होगा ये पर निकाल रहे हैं ज़ुल्कनैन साहब, देखिए आप सामने ही बिल्कुल ये पर है। तो परों का काफी खराब हो गया। हाँ जी देखे ना, असल में छत छोटी सी है, इनका शौक है, ये उड़ाते हैं इतने ऊपर से, जाल से उतारना हाथों में ऑब्वियसली लेने पड़ते हैं कबूतर, इसलिए मैले शले हो जाते हैं और फिर बारिश और आंधी इतनी ज़्यादा, तो उसमें इसको छोड़ दें चांद भी। और ये मुनसिफ भाई यहाँ पे मौजूद हैं, लास्ट भी इतवार को यही मुनसिफ थे, इस दफ़ा भी यही मुनसिफ है। बाकी ये आपको बताएंगे कि कैसे कबूतर उड़े, क्या इन कैसा थोड़ा मतलब किस तरह कबूतर हाँ जी ठीक थे कबूतर, हाँ कबूतर बहुत अच्छे उड़े हैं, सुबह बहुत ज़्यादा थी बारिश, हाँ बारिश भी थी। आप किसकी छत से आए मुनसिफ जी? ये नन्ना की। अच्छा नन्ने की छत से, ठीक है। तो पिछले पिछले इतवार भी आप थे, आपने देखी है जौनसी मक भी उड़ी, कैसे उड़े हैं? बहुत अच्छे उड़े हैं पिछले इतवार भी, पाँच बजे बैठा, एक छः बजे बैठा था। बिल्कुल सही। ये जी चांद भाई हैं, ये सारी सारा साल की मेहनत इनकी होती है, साथ साथ इनके ये दाऊद है, ये नुमान है, ये इधर भी नुमान है। जब जाने वाला नुमान, जहाँ नुमान आता है ना वहाँ कामयाबी आ जाती है। देखिए हमारे साथ भी नुमान है, फिर खलीफा नुमान भट्ट साहब भी, फिर इधर भी ये नुमान है, और ये उधर वो उस्ताद शेर अफगन नवान साहब के शागिर्द हैं, ये सुहेल साहब चांद के भाई, असल में ये सुहेल भाई, और ये सारी मेहनत हमारा जी उस्ताद मोहतरम का पोता शागिर्द, पोता शागिर्द है ये। ये देखें जी, ये पर्चा है जी, इन्होंने अपने उस्ताद की तस्वीर के साथ बनाया है, और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इनका रिजल्ट है। बाकी ये दोस्त अहबाब हैं सारे, इस वक्त ये इकट्ठे हो गए हैं ऊपर, क्योंकि कमादियाँ बैठी हैं, तो इसकी वजह से ये सारे लोग आ गए। आप बताएं ना, आप बताओ तारुफ करवा दो चाचू, बहुत पुराने छोटे छोटे थे ये, हमारे पास आते थे और हम उनका शुक्रगुजार हैं। ये पाँच त्यौहार हमारा मुनसब यही जाता रहा, उनका कोई परेशानी अच्छा। वाली बात नहीं है, पाँच त्यौहार उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं। चल बेहतरीन हो गया जी। और चांद भाई तुसी कुछ कहना चाहोगे? तूफान में इन्होंने इस तरह हमारे कबूतर उड़े हैं, इन्होंने हमें कहा इस तरह करो इस तरह करो, पर हम करते गए हैं, तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। जैसे इन्होंने हमें बताया हमने वैसे ही किया, और कबूतर बहुत ज़्यादा अच्छे उड़े हैं। और माशाल्लाह इस हमारे टोटल कितने घरों से बाजी? हमारी नौ घरों से, जिनमें से मेरे ख्याल एक या दो रह गए, एक रह गया जीतवार, हम उससे भी बैठे हुए हैं, वो हमको बिठाएगा और फिर जीतेगा, अगर बिठाएगा तो जीतेगा, बिठाएगा बाकी जो है आठ घर से जीत गए, उसके सिर्फ एक घर के कबूतर रह गए जी आज। अभी उसको कोई पता नहीं, क्योंकि बैठते हैं तो नहीं बैठते, तीन ही बैठे हुए, बाकी पिछले इतवार हमने सबको विन किया था, एक से एक से हम रह गए थे तीन मिनट से, बस ऐसे ही एक आते से नौ में हमारे तकरीबन 90% रिजल्ट आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके साथ ही हम चाहेंगे इजाज़त, आप जरा सारे कबूतर जो उड़े हुए हैं वो दिखा दें, दिखा दें तो अंदर अंदर चांद दिखा दो, बस अंदर नहीं, नहीं अंदर नहीं, नहीं है दिखा दें, मांगने के लिए आ रहे हैं। हाँ जी कबूतरी है, दोनों मोबाइल में, और ये टैडी कबूतर भी देख लें इनके उड़ रहे हैं, देखने
ठीक है जी दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।